So good morning, sir. So most probably today is your last lecture of chemical kinetics, and most probably हम मंडे को डिस्कशन करेंगे, ठीक है? And तो last class हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वगैरह देखा था और एलिमेंट्री रिएक्शन देखा था, ठीक है? और इस तरीके से हमने देखे थे भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वगैरह क्या होता है, ठीक है? आप जो आज हम जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, that will be totally depend on the question based on the mechanism कि आखिर क्वेश्चन किस टाइप के आता है मैकेनिज्म के ऊपर. आप देखिए थोड़ा, ठीक है, इसमें भी दो केस है. पहला मैं केस वन लेके चलूंगा. केस वन व्हेन आरडीएस इज गिवन, व्हेन आरडीएस इज गिवन, ठीक है, व्हेन आरडीएस इज गिवन. और उसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी दो केस बनेगा. पहला आरडीएस इन्वॉल्व ओनली रिएक्टेंट, व्हेन आरडीएस इन्वॉल्व ओनली रिएक्टेंट. जब सिर्फ रिएक्टेंट हो तब क्या होगा, जैसे सपोज करो मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट समझा, 2a plus 3b tends to give, 2 tends to give a to b, ठीक है. अब केस तो मेरा क्या आरडीएस है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा. सपोज करो इसका मैकेनिज्म अगर आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, a plus b tends to give ab. मान लो ये स्टेप वन है, क्या है स्टेप वन है, और ये स्लोअर स्टेप है. क्या स्टेप है आपका, स्लो स्टेप है, ठीक है. नेक्स्ट है ab plus b tends to give ab टू, ये आपका स्टेप टू है, ये आपका फास्ट स्टेप है. और ab2 plus a plus b tends to give a2 b3, ये आपका स्टेप थ्री है, और ये भी आपका क्या है, फास्ट स्टेप है. अगर मैं आपको इस जगह बोलूं कि व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन या रेट ऑफ एक्सप्रेशन, तो आप इजीली बता सकते हो, कोई इसमें कोई हार्ड वाली बात है ही नहीं, है ना. क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ओवरऑल मॉलिक्यूलर रेट डिफाइन करना नामुमकिन होता है, बट ओवरऑल आप ऑर्डर डिफाइन कर सकते हो. और ओवरऑल ऑर्डर कौन सा होगा, जो कि स्लोएस्ट स्टेप, इस यही मेरा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. तो जो जो इस स्टेप का ऑर्डर होगा वही आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा. तो आर बराबर क्या होगा, के ए और बी, इसका मतलब ऑर्डर आपका कितना हो गया, टू हो गया, ठीक है. अब यही केस में क्या मान के चल रहा हूँ, अब मैं मान के चल रहा हूँ ऐसा, ठीक है. अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आरडीएस इन्वॉल्व केस टू की बात कर रहा हूँ. तो केस वन तो आसान है भैया, वो तो कोई भी कर लेता, मजा आता केस टू में. तो केस टू की बात करो, आरडीएस इन्वॉल्व रिएक्टेंट एंड इंटर रिएक्शन इंटरमीडिएट. जब आरडीएस इन्वॉल्व कर रहा रिएक्टेंट एज वेल इंटरमीडिएट, तब आपको क्या करना, मैंने आपको पहले ही बताया था रेट ऑफ एक्सप्रेशन में कभी भी रिएक्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आ सकता. क्यों, रिएक्शन इंटरमीडिएट इनिशियली फॉर्म होता है, लेकिन फाइनली आते आते क्या हो जाता है, वो खत्म होता है. ओवरऑल रिएक्शन को कभी भी दिखाई नहीं देता, दैट इज वाई रेट ऑफ एक्सप्रेशन में कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आता. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट आ रहा है. तो मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, मैकेनिज्म चेंज कर दूंगा. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैकेनिज्म को चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है. अब यहाँ पे मैकेनिज्म किस तरीके से कुछ चेंज हो जाएगा, पहला स्टेप अब आपका हो जाएगा फास्ट स्टेप, और दूसरा स्टेप आपका क्या हो जाएगा, स्लो, और ये हो जाएगा फास्ट, ठीक है. अब देखो लेट, अगर इसको इसमें जनरली क्या दिया जाता है, लेट इसको मैंने K1, K2, K3 और K4, इस तरीके से मैंने मैकेनिज्म दिया हुआ है. देखो तो अगर मैं रेट ऑफ एक्सप्रेशन की बात करूँ, रेट ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा, K3, क्योंकि इस रिएक्शन का रेट कौन सा है, K3 दिया हुआ है, AB और B, इस तरीके से होगा. देखो मैंने आपका मेन मोटिव क्या होगा, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि जब आपको रेट ऑफ एक्सप्रेशन में रिएक्शन इंटरमीडिएट आ रहा था, आपका मेन मकसद ये होगा कि इस रिएक्शन इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा. अब ये देखो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कहाँ था, एक तो ऑलरेडी इसमें है तो वो हमने यूज कर लिया इस स्टेप में, और दूसरे और पहले स्टेप में ए भी क्या होगा, फॉर्म हो रहा है. अब आप देखो के मीडियम को मैं क्या लिख सकता हूँ, K1 by K2, K1 by K भी लिखते हैं, K के मीडियम को. और अगर नहीं भी दिया हुआ, मान लो सिंगल एरर दिया हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, इसको K के मीडियम मान के अपने आप इसको इस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ ए भी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो. क्योंकि आपको मेन मोटिव है इसको एनी ऑफ हटाना है और इसको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में लिखना है, ठीक है. तो इसका मतलब ए भी क्या होगा, ए भी हो जाएगा K1 by K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी हो जाएगा. अब थोड़ा बात ध्यान से समझना, इसका मतलब रेट ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा, K3 = K1 × K2, ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए और इंटू बी का स्क्वायर.
क्रिस्टल सीरीज ऑफ पहला वन निकालते हैं ना, उसी तरीके से क्या होगा, इस यहां पे हम क्या बोलेंगे, इसको के फैक्टर बोलेंगे, और ये एक्चुअल में आपका एक्सप्रेशन हो गया। तो कभी-कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपसे के फैक्टर भी बोला जाता है, के फैक्टर का मतलब जो भी आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा k3 k1 k2 का जो भी इनके बीच में रिलेशन होगा उन्हीं को डायरेक्ट करके ओवरऑल मिलके तो एक रेट कांस्टेंट ही देगा, कोई कांस्टेंट ही होगा ये वैल्यू, उसे हम के फैक्टर बोलते हैं। इसका अब ओवरऑल ऑर्डर कितना है, 3 है। तो बस इस सब चीजों में ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कभी भी कि अगर कोई रेट का एक्सप्रेशन में एनीमा ओवर इंटरमीडिएट आ रहा है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के तौर पर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, क्या जैसे ट्वाइस ऑफ O3 टेंस टू गिव ट्वाइस ऑफ O2। ठीक है, अब मान लो इसका मैकेनिज्म जो दिया हुआ है वो मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है, O3 टेंस टू गिव O3 K1 K2 O2 प्लस O। ठीक है, ये स्टेप है इसका फास्ट स्टेप, स्लो स्टेप क्या है, O प्लस O3 टेंस टू गिव K3 और O2, ये आपका क्या स्टेप है, स्लो स्टेप। ठीक है, क्या बोला, कैलकुलेट इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट इफेक्टिव रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट इफेक्टिव रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कुछ नहीं करो, मुझे पता आप बराबर क्या होगा K3, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा K3 कंसंट्रेशन ऑफ और कंसंट्रेशन ऑफ O3। तब आप ये देखो ओवरऑल आपने रिएक्शन में ऐड करके और क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, इसका मतलब वो मेरा क्या है रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो ये कभी भी रेट एक्सप्रेशन में आ नहीं सकता। अब आपको बस वही करना, आपको फंडा ये करना है कि भाई इसका रिलेशन देखो ये कहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये पहले स्टेप में फॉर्मेशन हो रहा है, तो वही आप जो पहले क्वेश्चन में कहते हैं के इक्विलिब्रियम के फॉर्मेट में इसको लिख के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख के हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मुझे पता है कि K1 बाई K2 जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ O2 कंसंट्रेशन ऑफ O बाय कंसंट्रेशन ऑफ O3। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखना सीखे हैं ऑलरेडी, तो K1 बाय K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ O3 बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ। अब ये वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा, R बराबर क्या हो जाएगा, K3 * K1 बाय K2, O की जगह क्या करूंगा मैं, O3 का तो स्क्वायर हो जाएगा, O2 का पावर क्या हो जाएगा, -1। तो दिस इज ओवर ऑल योर रेट वाइज, और k इफेक्टिव कोई वैल्यू होगी k3 * k1 / k2। ठीक है, मैं क्या बोल रहा, ये भी केस बहुत आसान है, मजा तब आता है केस 2 में। ठीक है, केस 2 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनके आप बस इक्वेशन बनाना सीख जाओ तो जो भी आगे आप पैरेलल और सीरीज रिएक्शन के क्वेश्चन करोगे वो आपको आसानी से बन जाएंगे। इसमें क्या है, RDS इज नॉट गिवन, व्हेन RDS इज नॉट गिवन, ठीक है, व्हेन RDS इज नॉट गिवन, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जिसमें RDS स्टेप दिया हुआ है। जनरली यहाँ पे क्या होता है, रेट डिटरमाइन स्टेप दिया होता था, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, या तो RDS सिर्फ रिएक्टेंट इंक्लूड करेगा या तो RDS सिर्फ इंटरमीडिएट इंक्लूड करेगा, तो इंटरमीडिएट करेगा तो हम इस तरीके से चलेगा, और अगर सिर्फ रिएक्टेंट करेगा तो हम डायरेक्टली ऑर्डर बता सकते हैं जो हम केस वन में सीखे थे, केस वन का पहला पार्ट में हमने सीखा था। अब यहाँ पे क्या होगा, जब RDS आपको दिया नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे पढ़े किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म विदाउट रिएक्शन इंटरमीडिएट पॉसिबल नहीं होता। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है क्या, इनिशियली पहले स्टेप में बनेगा, तो बनने की टेंडेंसी उसकी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, रेट ऑफ फॉर्मेशन उसका ज़्यादा होगा, लेकिन रिएक्शन खत्म होते होते क्या हो जाएगा, रेट ऑफ उसका रेट क्या हो जाएगा, बिल्कुल घटने लग जाएगा। इनिशियली रिएक्शन के स्टार्टिंग में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और रिएक्शन आते आते उसका घटने या उसका डिक्रीमेंट का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जितना स्पीड से बनेगा उतने स्पीड से घटेगा, जितने स्पीड से बनेगा उतने स्पीड से घटेगा, ओवरऑल आप जब देखोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली स्टेडी स्टेट में रहता, मतलब ना घट रहा ना बढ़ रहा है। बेसिकली अगर मैं आप इसको बताऊँ ग्राफिकल फॉर्मेट में, तो अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूँ और टाइम की बात करूँ, मैंने क्या बोला, इनिशियली ये बढ़ेगा स्पीड में, उसके बाद क्या रहेगा, उतने ही स्पीड से क्या होगा, घटता भी है। तो ओवरऑल आप देखोगे बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ओवरऑल एक समय के लिए क्या होता है, ये स्टेडी स्टेट में आ जाता है, मतलब कॉन्स्टेंट होता है। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
steady state. याद रखना at steady state d intermediate by dt ये हमेशा क्या होता है zero होता है क्योंकि क्योंकि उनका formation और for appearance और disappearance almost बराबर ही है तो almost बराबर है तो मतलब ये किस state में है बन रहा है खत्म हो रहा है बन रहा है खत्म हो रहा है बन रहा है खत्म हो रहा है मतलब almost steady state में ही है मतलब constant है आपको क्या दिखेगा कि भैया कोई change ही नहीं है और है ना आपको याद है हमारा dynamic equilibrium का example दिया था पानी आ रहा है पानी जा रहा है पानी आ रहा है पानी जा रहा है आपको क्या लगेगा भाई पानी का तो level तो same ही है मतलब पानी में तो कोई change नहीं आ रहा but actually होता नहीं है पानी आ भी रहा है पानी जा भी रहा है dynamic equilibrium का बाल्टी वाला example दिया था ना मैंने बाल्टी वाला उसको मैंने नल के नीचे रखा और उस बाल्टी में नीचे से छेद कर देता हूँ टैप चला देता तो आपको एक समय के बाद क्या लगेगा कि वाटर का लेवल क्या है कॉन्स्टेंट उसी तरीके से क्या फॉर्मेशन और डिसअपीयरेंस का रेट बराबर है तो आपको क्या लिखा ऑलमोस्ट ही क्या है कॉन्स्टेंट है तो मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए इंटरमीडिएट क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है आई बात समझ में ठीक है अब इसको क्वेश्चन करते हैं कैसे इस बात को समझो थोड़ा ये इम्पोर्टेंट ठीक है बाकी चीज़ आप नहीं भी समझोगे तो भी चलेगा लेकिन क्वेश्चन का तरीका समझो बट हालांकि कुछ है नहीं ये बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आप इस में ऐसा करता हूँ कि आप इतना समझ जाओगे कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है ठीक है अगर मैं बात करूँ जैसे सपोज कर एग्जांपल की बात करूँ प्राइस ऑफ ओ थ्री एंसुलिन प्राइस ऑफ ओ ठीक है इसमें उसने क्या दिया हुआ है मैकेनिज्म में ठीक है मैकेनिज्म उसने दिया हुआ है ओ थ्री टेंस टू गिव के वन ओ टू प्लस ओ ठीक है और दूसरा उसने क्या दिया उसने ओ टू प्लस ओ क्या दिया हुआ है K2O3 और O3 प्लस O ठीक है क्या दिया हुआ है K3 और ट्वाइस ऑफ O अब मैंने आपको ये बोला ही नहीं कौन सा स्लो स्टेप है कौन सा फास्ट स्टेप है आपको क्या करना है रेट निकालना है आपको क्या करना है रेट निकालना तब आप कैसे निकालोगे रेट ठीक है तो आप क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ आर बराबर माइनस वन बाय टू डी ऑफ ओ थ्री बाय डी इज इक्वल टू प्लस वन बाय थ्री डी ऑफ ओ टू बाय डी बहुत हैंडसम है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या अगर मुझे इसकी वैल्यू पता चल गई एक दोनों से किसी एक की वैल्यू पता चल गई तो मेरा आराम से क्या आ जाएगा रेट आ जाएगा मुझे रेट पता चल गया तो मैं ऑर्डर भी बता सकता हूँ तो बस आपका मेन मोटो है कि इसको निकालना किसकी वैल्यू माइनस ऑफ डी ऑफ ओ थ्री बाय डी टी ठीक है अब देखो यहाँ पे कैसे निकालेगा समझो बात क्योंकि ये हर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स देखेगा तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप क्या होता है एलिमेंट्री स्टेप होता है और किसी भी एलिमेंट्री स्टेप का रेट अगर रिफाइन आप इसलिए कर सकते हो इसका मान लो रेट नॉर्मल रेट है तो इसका क्या हो जाएगा K1 इंटू ओ थ्री इसका क्या हो जाएगा R2 K2 इंटू ओ टू इंटू ओ क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप का स्टोइकोमेट्री उसका ऑर्डर होता है क्योंकि और मुझे पता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर स्टेप क्या होता है एलिमेंट्री तो यहाँ से मैं रेट मैक्सिमम से हर स्टेप डिफाइन कर दूंगा यहाँ के लिए सपोज करो R3 K3 O3 और O ठीक है अब सपोज करो मुझे डिफाइन करना है किसका माइनस ऑफ डी ऑफ O3 बाय DT तब यहाँ पे देखो पहले स्टेप में ये एज अ रिएक्टेंट है और डी ऑफ O3 बाय DT को मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ K1 O3 के बराबर लिख दिया मैंने ठीक है सेकेंड स्टेप में अब देखो सेकेंड में क्या है O3 तीनों में तो जिस रिएक्शन में O3 आएगा उसके डीओ उसके रेट का एक्सप्रेशन आपको उसके बराबर कर देता है ठीक है यहाँ पे मेरा रिएक्टेंट है जैसे लिया क्योंकि माइनस डी ऑफ O3 अब रिएक्टेंट है तो और ये क्या है प्रोडक्ट में तो ये प्रोडक्ट में तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस K2O2 और कंसंट्रेशन ऑफ O अगर रिएक्टेंट में लिख रहे हो और रिएक्ट और वो जिस रिएक्शन में है वो भी रिएक्टेंट साइड है तो रेट का जो इसका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा लेकिन यहाँ पे आप लिख रहे हो रिएक्टेंट के बारे में और ये रिएक्शन में है प्रोडक्ट के अंदर तो साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस K2O2 ठीक है क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो आर बराबर क्या करोगे आप ऐसा समझना आप क्या मैं इसको प्लस ऑफ डी ऑफ O3 बाय DT नहीं लिख सकता हूँ रेट बराबर -DO4/DT = -DO4/DT = K2O2
आई बात समझ में? तो ये मेरा पहला काम, बस आपको बेटा ये एक्सप्रेशन लिखना सीखना है, ये एक्सप्रेशन लिखना आ गया तो काम आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो अब हम अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्लस d of o2 by dt लिख रहा हूं, क्या कर रहा हूं, प्लस d of o2 by dt, प्लस d of o2 by dt, o2 कहां कहां पे, पहले दूसरे और तीसरे में, तो पहले में तो क्या प्रोडक्ट में तो इक्वल टू क्या होगा, k1 o3 हो जाएगा मेरा, दूसरे में क्या रिएक्टेंट में तो ये नेगेटिव चला जाएगा, माइनस k2 o2 o हो जाएगा, और उधर में क्या प्लस में है तो प्लस k3 o3 o, बस ये आपको एक्सप्रेशन लिखना सीखना है, एक्सप्रेशन लिखे तो आधी चीज आपको वही खत्म हो जाएगी। अब सपोज करो प्लस ऑफ do / dt के बारे में आपको लिखना है, किसके बारे में लिखना है, प्लस ऑफ do / dt, तो पहले दूसरे और तीसरे जीरो का प्लस जीरो होगा, तो पहले में तो अगेन क्या होगा k1 o3, दूसरे में क्या ये फोर प्रोडक्ट है तो वो यहां पे क्या है रिएक्टेंट साइड में, यहां पे क्या आ जाएगा नेगेटिव k2 o2 o, ठीक है, और यहां पे क्या यहां आगे में रिएक्टेंट साइड में, और ये यहां पे और मैं ऐसे प्रोडक्ट को ले रहा हूं इसको, तो ये क्या हो जाएगा माइनस k3 o3 o, और मुझे पता है एट स्टडी स्टेट d ऑफ o / dt किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा मैं क्या करूंगा हर जगह से अगर इस o को रिप्लेस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, तो k1 o3 माइनस k2 o2 o माइनस k3 o3 o इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, और तो मैं इसका लिखे तो ये उधर चला जाएगा तो k1 o3, ठीक है, तो दोनों में कंसंट्रेशन ऑफ o कॉमन ले लेता हूं मैं, तो k2 o2 प्लस k3 o3 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ o, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ o किसके बराबर हो जाएगा k2 o2 प्लस k3 o3 डिवाइडेड बाय k1 o3, ठीक है। अब ये मैं वैल्यू यहां पुट कर दूंगा मुझे एग्जैक्ट रेट पता चल जाएगा, तो लेट माइनस d ऑफ o3 बाय dt, ठीक है, यहां पे क्या है k1 o3 माइनस k2 o2, o की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा k2 o2 प्लस k3 o3 डिवाइडेड बाय k1 o3 प्लस k3 o3 इंटू k2 o2 प्लस k3 o3 डिवाइडेड बाय k1 o3, ठीक है। हाँ, मैं क्या करूँ इसका पूरे कैल्शियम दे देता हूँ, पूरे कैल्शियम लेने पर आपको क्या मिलेगा, पूरे कैल्शियम लेने पर मिलेगा क्या मिल जाएगा इसको k1 क्या हो जाएगा k1 स्क्वायर o3 स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया k2 स्क्वायर, ठीक है, o2 स्क्वायर माइनस k2 k3 o3 o2 प्लस, इसी तरीके से मैं क्या करूंगा इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो k3 k2 o2 o3 प्लस k3 का स्क्वायर और o3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय k1 o3 बराबर, तो अब ये देखो k1 k2 k3 o3 o2 ये और ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा बराबर, तो आपको ये जो वैल्यू आ रहा है ये वैल्यू आएगा शायद मैं कुछ गड़बड़ी कर दूं, अरे ये मैं आपको बता देंगे ना मैंने ये रिवर्स होगा वैल्यू मुझे लग गया था कुछ गड़बड़ सॉरी माय मिस्टेक माय मिस्टेक, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू ये नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ O का वैल्यू क्या होगा k1 o3 बाय k2 o2 प्लस k3 o3, और अगर मैं माइनस ऑफ b ऑफ o3 बाय dt की वैल्यू पता चल गई तो वही रेट का वैल्यू होगा, क्यों रेट का एक्सप्रेशन में क्या है r बराबर है तो ये वैल्यू मुझे पता चल गई, तो रेट पता चल गया मैं क्या करूँ इसे वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ k1 o3 माइनस k2 o2 इंटू k1 o3 बाय k2 o2 प्लस k3 o3
plus K3O3 into K1O3 by K2O2 plus K3O3. ठीक है, तो जब आप इसके LCM लोगे, ठीक है, K1O3 इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो K1 K2 O3 O2 प्लस इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करो K1 LCM ले रहा हूँ ना, LCM होगा तो ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो फिर एक बार मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक बार इसको इससे मिले तो K1 K3 O3 का स्क्वायर माइनस K2 K1 O3 O2 प्लस K1 K3 O3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K2 O2 प्लस K3 O3, तो K1 K3 O3 का स्क्वायर प्लस में है ये K1, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन DO3/dt, तो ये वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ K1 K3 O3 का स्क्वायर बाय K2 O2 प्लस K3। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगा, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा रेट। ठीक है, हालांकि आपको इस वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं आपको खाली समझाने के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। ओवरऑल आपको ये एक्सप्रेशन लिखना है, सारा मेजर और इन्हीं एक्सप्रेशन का, अगर ये एक्सप्रेशन लिखना अगर तो ही, हालांकि ये हमारे जेई सिलेबस में नहीं है बट ये हमारे जेई सिलेबस में है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा इक्वेशन बनाना चाहिए सिलेबस में, तो आई होप आप इक्वेशन बनाना सीख गए होंगे, तो एक दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझ में भी आए ताकि प्लस और ई।
ठीक है, इस तरीके से ये चल रहा है। ठीक है, आपको अगर वैल्यू एक्सप्रेशन किसका किसका लिखना, माइनस dA बाय dt का, दूसरा लिखना है प्लस dB बाय dt का प्लस dC बाय dt का प्लस dD बाय dt का प्लस dB बाय dt का। ठीक है, तो आप मैं आपको वैसे सजेशन ये दूंगा, कभी इस टाइप के रिएक्शन को सब ये से पता लग रहा था, पहला रिएक्शन टू ए के वन देके क्या दे रहा है, बी दे रहा है, दूसरा रिएक्शन क्या बी आपको क्या दे रहा है, ए टू देके ए दे रहा है, वो ही बी आपको क्या दे रहा है, ऐसा रिएक्ट होके ए थ्री से टू सी जा रहा है, वो ही बी आपका ए फोर से थ्री डी जा रहा है, और वो ही बी आपका ए फाइव से डी जा रहा है। तो सबके रेट एक्सप्रेशन आप देख सकते हो। ठीक है, इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, के वन माइनस डी ए बाई डी टी पूछा, तो भी अब सिर्फ इसी रिएक्शन और इस दो रिएक्शन में है, तो पहला तो क्या होगा के वन ए स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस के टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, माइनस के टू कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस डी ए बाई डी टी। अब यहाँ पे तो सब जगह वो रिएक्टेंट है और लिख रहा हूँ प्लस के बारे में, तो हर रिएक्शन में क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस के टू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस के थ्री कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस के फोर कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस के फाइव कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि बेटा अगर रेट एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा आर वन, आर वन बराबर क्या होता है के ए स्क्वायर, इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होता है के टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि हर इंटरप्रिटेशन में मान के चल रहा हूँ आपको इतना आता होगा। ठीक है, प्लस डीसी बाई डीटी, डीसी बाई डीटी ऑलरेडी मैंने किया प्रोडक्ट में, ये भी प्रोडक्ट और ये भी प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा के थ्री कंसंट्रेशन ऑफ बी, डीडी भी क्या मेरा प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट के बारे में लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा प्लस के फोर कंसंट्रेशन ऑफ बी, और डी बाई डी में प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट में लिख क्या हो जाएगा प्लस के फाइव कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो आई होप सो ये सारी चीजें आप क्या हो चुके होंगे, समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है सम कुछ स्पेशल केसेस होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, लेकिन ये वैलिड किसी फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। ठीक है, ये जो जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ ये जो टॉपिक है ये वैलिड सिर्फ किसके लिए बेटा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड, बाकी चीजों के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं सीरीज ऑफ पैटर्न रिएक्शन। ठीक है, हालांकि न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे, उसका कोई वो नहीं है। ठीक है, स्पेशल केसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्पेशल केसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्पेशल केसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, पहला हो जाएगा इसमें पहला पैरेलल और साइड रिएक्शन, पैरेलल और साइड रिएक्शन। ठीक है, जनरली अगर ए टेंस टू बी है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं सिंपल, लेकिन अगर यही ए टेंस टू एक बी दे रहा है और एक क्या दे रहा है सी दे रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे पैरेलल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे सपोज कर टी इक्वल टू जीरो पे ये ए नॉट था तब ये जीरो जीरो होगा, और टी इक्वल टू टी पे क्या होगा ए नॉट माइनस एक्स, अब ये एक्स जो होगा यहाँ पे आप वाई करोगे यहाँ पे जेड करोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
सभी भागों में effective
by RT और K1 की जगह क्या लिखूंगा मैं A1 dot minus EA1 by RT plus A2 dot minus EA2 by RT क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ठीक है अब मैं क्या करूँ इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर क्या कर दिया मैंने टेंपरेचर के साथ मैंने इसको डिफरेंशिएशन कर दिया तो आपको क्या मिलेगा तो आप देख सकते हो आपको डिफरेंशिएट करने पर ये मिलेगा A factor dot minus EA factor effective by RT into minus EA by R इसका डिफरेंशिएशन का तो RT इसका ये प्लस में हो जाएगा है ना 1 by T का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा ये इसका हो जाएगा ठीक है बेटा आई होप सो यहां तक तो जब आप समझ में आ चुके इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा A1 dot e को पावर माइनस EA1 by RT into प्लस EA1 by RT स्क्वायर प्लस A2 डॉट माइनस EA2 by RT प्लस इनटू मतलब ये प्लस में है इनटू प्लस EA2 by RT स्क्वायर क्या मैं इसका ऐसा लिख सकता हूँ क्या मुझे ऐसा लिखने की इजाजत है बिल्कुल इजाजत है ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ अगेन ये वैल्यू किसके बराबर है के इफेक्टिव इनटू तो इनटू क्या हो जाएगा ईए इफेक्टिव इज इक्वल टू ये वैल्यू के1 के बराबर के1 इनटू ईए1 प्लस के2 इनटू ईए2 इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव पैरेलल रिएक्शन का फार्मूला क्या होता है के1 इनटू ईए1 प्लस के2 इनटू ईए2 बाय क्या के1 प्लस के2 या के इफेक्टिव जो भी लिखना चाहो आप उसको लिख सकते हैं ठीक है आई होप सही बात आपको समझ में आ गई होगी तो यहां पे मेरा ये भी खत्म हो गया अब बस आपको बचा कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी अगर ये आ चुका तो ये निकालना बहुत आसान है ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूं लेट मैं पहले कंसंट्रेशन ऑफ ए निकाल रहा ठीक है कंसंट्रेशन ऑफ ए का मैं कैसे कर सकता हूं मुझे पता है माइनस डीए बाय डीटी माइनस डीए बाय डीटी क्या हो जाएगा बेटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं इसको के1 प्लस के2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए मुझे तो कंसंट्रेशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए सर नॉट ऑफ टेंपरेचर ठीक है मैं क्या कर सकता हूं अब सबसे पहले क्या मैं इसको माइनस डीए बाय डीटी इज इक्वल टू के इफेक्टिव डिवाइडेड बाय ए इनटू डीटी याद है ये फर्स्ट ऑर्डर वाले फार्मूले से आ चुका है तो मतलब कभी भी याद रखना आपको क्योंकि इसका इससे तो कोई मतलब नहीं तो डायरेक्ट आप कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या लिखोगे ए नॉट ई रेज टू माइनस के1 K1 plus K2 into D ये वही फॉर्मूला साहब इसको फिर से डिराइव करो फर्स्ट ऑर्डर में आपने सिखाया था फिर से इंटीग्रेट करोगे आप आपको ये फॉर्मूला तो कंसंट्रेशन ऑफ ए आ गया बात आता है कंसंट्रेशन ऑफ बी का कंसंट्रेशन कैसे तो देखो कोई बात नहीं बी के फॉर्मेट में अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा प्लस डीबी बाय डीटी प्लस डीबी बाय डीटी अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डीबी बाय डीटी में लिख सकता हूँ K1 times of concentration of K ठीक है अब इसी को मैं क्या कर रहा हूँ प्लस डीबी बाय डीटी K1 A को मैं क्या लिख सकता हूँ अभी हमने निकाल लिया A1 माइनस K1 प्लस K2 into T लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ एक इस तरीके से ये ज़्यादा से बिल्कुल ज़्यादा है बस अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो तो dV इंटीग्रेशन 0 से लेकर V तक और ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा K1 ए नॉट ई रेस टू माइनस ए वन प्लस ए टू इंटू टी इसको इंटीग्रेट किया मैंने इंटू डी टी जीरो से लेकर टाइम टी तक तो इसका तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ बी ही मिलेगा जीरो से लेकर बी तक और इसका क्या मिलेगा इसका आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपको मिलेगा के वन ए नॉट बाहर आ जाएगा ठीक है के वन ए नॉट माइनस के वन प्लस के टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स तो ई रेस टू माइनस एक्स बाहर आ गया इंटू ई रेस टू माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी कहाँ से कहाँ तक जीरो से लेकर टी ठीक है तो मतलब ये तो बी हुआ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के वन ए नॉट बाय के वन प्लस के टू
माइनस ठीक है जब आप इसमें टी पुट करोगे टी पुट करते हैं तो एज इट इज इसमें से क्या e रे टू माइनस k1 k2 माइनस ऑफ e रे टू पावर 0 तो e रे टू पावर 0 1 हो गया तो एक्सप्रेशन क्या है e रे टू माइनस k1 k2 माइनस 1 लेकिन जब आप ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 वाला आगे आ जाएगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा ठीक है इस एक्सप्रेशन में ये जो माइनस में मल्टीप्लाई करता हूं एक्सप्रेशन क्या होता है माइनस माइनस k1 प्लस k2 आई बात समझ में तो ये आपका होगा एक्सप्रेशन रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ बी का इसका फॉर्मूला ये कंसंट्रेशन ऑफ बी अब उसी तरीके से क्या कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सी भी निकाल सकते हैं ठीक है अब आप हमारे प्रॉब्लम से यहां पे सी में क्या आ जाएगा सी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा k2 है फिर से आप इसको इंटीग्रेट करके बस फार्मूला में ये रखा गया सी बराबर हो जाएगा k2 a0 बाय k1 प्लस k2 सेम इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस e रेज़ टू माइनस k1 प्लस k2 आई बात समझ में ये आपका सी का क्या रहेगा बेटा फॉर्मूला रहेगा तो आई होप सो यहां पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी मैं आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो बस आपके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इनको याद रखिएगा थोड़ा ये ज्यादा जरूरी है ठीक है यहां पे आपको चीज समझ में आ गई होंगी बेटा ठीक है नेक्स्ट उसने क्या बोला था उसने बोला था रेशियो ऑफ बी और सी तो नेक्स्ट है मेरा कंसंट्रेशन ऑफ बी और सी को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा k1 बाय k2 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है अभी ऐसे आप लिए मैं क्यों लिखा है क्यों करा देखो बेटा आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे कभी आप हैलोजनेशन कराओगे हैलोफॉर्म रिएक्शन कराओगे किसी एल्कीन वगैरह का तो उसमें आपको क्या मिलेगा मेटा पारा और तो तीनों प्रोडक्ट मिलेगा बट उनको परसेंटेज के कौन डिसाइड करता उनके रेट कांस्टेंट डिसाइड करता है तो किसी आप देखो के बी की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी के पर डिपेंड करेगी तो सी की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी के टू पे और आप समझ पा रहे हो कि इनका जो प्रोडक्ट का जो रेशियो होता है कि रेट कांस्टेंट के रेशियो के बराबर ही होता है तो आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या समझा दूं जिसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा उसका प्रोडक्ट में परसेंटेज भी क्या होगा ज्यादा होगा ठीक है और अगर मैं बात करूं कोई परसेंटेज ऑफ बी तो परसेंटेज ऑफ बी को क्या लिखो बी बाय बी प्लस सी 200 भाई जैसे मैं बोलूं भाई टोटल 50 है 50 में बी का परसेंटेज है सी और सी है आपका 30 तो परसेंटेज ऑफ बी क्या होगा तो भाई 20/50 × 200 यही तो बोलोगे तो वही तो क्या परसेंटेज बी बराबर बी बाय बी प्लस सी अब इसको मैं कैसे करता हूँ मैं लेट है कैसे करता हूँ सी बाय बी इज इक्वल टू क्या होगा k1 k2 बाय k1 दोनों तरफ मैं प्लस 1 कर देगा तो ये क्या होगा b प्लस c बाय b क्या हो जाएगा k1 प्लस k2 बाय k1 तो इसको जैसे मैं रिवर्स कर दूं तो परसेंटेज ऑफ b का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा k1 बाय k1 प्लस k2 इनटू 100 या k फैक्टर पे आप लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा ठीक है आप इसको ऐसा भी ले सकते हो परसेंटेज ऑफ b बराबर क्या हो जाएगा हाफ लाइफ के फॉर्मेट में क्या आ जाएगा हाफ लाइफ फॉर्मेट में इसको मैं क्या लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं k1 बाय k इफेक्टिव इनटू 100 तो ये हाफ लाइफ का इनवर्स होता है रेट कांस्टेंट का हाफ लाइफ बराबर क्या होता है ln2 बाय k है ना तो दोनों इनवर्स है इसका मतलब t हाफ इफेक्टिव तो कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और t हाफ ऑफ 1 × 100 तो आप इस फॉर्मेट में भी निकाल सकते हो दैट चॉइस इज योर्स ठीक है कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ज्यादा समझ में आएगा ठीक है अब याद रखना देखो अगर मान लो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया कि a टेंड्स टू गिव m ऑफ b और n ऑफ c कभी कभी ऐसा भी किया जाता है भाई तब आप क्या करोगे इस केस में आप क्या करोगे तो अभी भी यहां पे क्या होगा a₁ - x बराबर क्या होगा y my और n z बनेगा क्या बनेगा my और n z ठीक है सॉरी my ठीक है यहाँ पे y और यहाँ पे z लेकिन x की वैल्यू किसके टाइम्स हो जाएगी y by n plus c n z by n ठीक है y by m और z by n इस तरीके से ये आपको करना जो भी स्टोइकोमेट्रिक होगा इसके यहाँ पे जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे उसको स्टोइकोमेट्रिक से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है और सपोज करो अगर कंसंट्रेशन ऑफ b की बात कर रहा हूं मैं अगर आपको ये वैल्यू मिले कि b by c का रेशियो क्या होगा तो आप क्या बोलोगे तो आप सिंपल से ये बोलोगे कि m टाइम्स ऑफ k1 बाय n टाइम्स ऑफ k2 याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको याद रखिएगा बेटर है कि m टाइम बाय यहां पे 1:1 था तो 1:1 k1 था 1:2 k2 था और m और n है तो m
फैक्टर का आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा एक क्वेश्चन करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में अच्छे से, ताकि x1 और x2 ठीक है, x किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, x1 और x2 में डिस्ट्रीब्यूट।
कि वैल्यू क्या होगी a नॉट माइनस x ठीक है प्लस x1 प्लस x2 इसके बाद a नॉट माइनस x प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a नॉट इसलिए मैंने लिखा क्या मैं a नॉट को at प्लस bt प्लस ct लिख सकता हूं इजाजत है बिल्कुल जानते हो अगर आपको यहां से पॉइंट से आपको समझा भी दिया है ठीक है क्योंकि a नॉट माइनस x इज इक्वल टू x1 और x2 और x1 x2 किसके बराबर होगा सम ऑफ इसके बराबर होगा ठीक है आई होप से यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी आप समझ गए बात यहां पे क्या है कंसंट्रेशन ऑफ bt बाय कंसंट्रेशन ऑफ ct क्या होता है k1 बाय k2 होता है तो क्या कंसंट्रेशन ऑफ bt को मैं bt को क्या लिख सकता हूं k1 बाय k2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ct तो पुट द वैल्यू तो यहां पे जब आप पुट करोगे तो ये बराबर हो जाएगा पहले ठीक है at प्लस k1 बाय k2 की रेशियो की वैल्यू कितनी है 9 और 9 bt की जगह मैंने क्या लिखा bt की जगह मैंने लिखा k1 by k2 plus 1 into ct by at लिख सकता हूं ct bt की जगह k1 by k2 plus ct plus ct तो ct कॉमन लेते k1 by k2 plus 9 तो क्या मैं k1 by k2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 सॉरी k1 by k2 सॉरी bt को आप ct को प्रूव करो ऐसा करो चलो ऐसा कर सकते हो k1 by k2 plus 9 ठीक है तो ln at plus क्या k1 by k2 plus 1 को मैं लिख सकता हूं कितना
ठीक है। केस टू है हमारा लास्ट केस है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सीरीज, सीरीज और सीक्वेंशियल रिएक्शन का हम बोल सकते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन, सीरीज और सीक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है। जनरली क्या होता है, मान लो ये सारे फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के वन बी, फर्स्ट ऑर्डर के टू सी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ t इक्वल टू जीरो पे ये a नॉट होगा तब ये जीरो जीरो बनेगा, t इक्वल टू t पे a नॉट माइनस x, तो यहाँ से x इसमें से भी y जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा y बनेगा। तो ये आप बताइए उसे यहाँ पे समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन हम क्यों करते हैं कैलकुलेट, इसमें बाकी चीज़ें ठंडक नहीं है, बस आपको एक चीज़ निकालना, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एज फंक्शन ऑफ टाइम, एज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अगेन कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालने के लिए एक बात बताओ, क्या माइनस डी ए बाई डी टी डायरेक्टली लिखूंगा, इज इक्वल टू क्या होगा के वन टाइम्स ऑफ ए, ठीक है, और इज इक्वल टू आप डायरेक्टली लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर क्या होगा ए नॉट ई रेज टू माइनस के वन टी, ई रेज टू माइनस के वन टी। यहाँ पे के इफेक्ट में कोई लोचा नहीं होता बेटा, जिस रिएक्शन की बात करते हैं, जिस जगह जिस टाइम पे कंसंट्रेशन का बात करते हैं उसी टाइम की हम चर्चा में करते थे, यहाँ कोई के इफेक्टिव डी इफेक्टिव नहीं है, बस जहाँ पे है जो कुछ है उसी से बात करें, ठीक है। अब आएगी कंसंट्रेशन ऑफ बी की बात, तो अब यहाँ पे एक बात का प्लस डी बी बाई डी टी लूंगा या माइनस डी बी बाई डी टी लूंगा, तो एक बात बताओ ये सीक्वेंशियल रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी से। आप ये देखो अगर आपको देखो सर डिसअपीयरेंस का ज़्यादा होना चाहिए तो एक बार जितना बनेगा उससे पहले खत्म हो जाएगा, तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा क्या, आपको सर जितना बनेगा उससे पहले खत्म हो रहा है, मतलब खत्म होने का रेट ज़्यादा बनने का रेट कम है तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो अभी सब अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन या बनने का रेट क्या होगा ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा प्लस डी बी बाई डी टी, क्या लेना पड़ेगा प्लस डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी आपके रिएक्शन में एक इस रिएक्शन और एक इस रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन में तो प्रोडक्ट में तो के वन ए हो जाएगा माइनस के टू बी, ठीक है। आई होप सब ये समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं बात करूँ प्लस डी बी बाई डी टी तो के वन को तो क्या लिख दूंगा मैं ए नॉट ई रेज टू माइनस के वन टी प्लस माइनस ऑफ के टू बी। अब इसको इंटीग्रेट करना नामुमकिन है, क्यों, क्योंकि भैया अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देते और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते आपका आंसर आ जाता है, लेकिन यह माइनस है तो ये आपको थोड़ा हाई लेवल मैथमेटिक्स में पढ़ना रहता है, ठीक है, जिसको आप आगे फिलहाल अभी आप पढ़े नहीं होंगे कैलकुलस, आपको पढ़ना था डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको किस फॉर्मेट में रहता है देखो, एक्चुअली क्या रहता है आपका फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली होता है क्या है डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आपके डिफरेंशियल ऑर्डर का ये फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब आपको पहचानना डी वाई बाई डी एक्स सर्कल एंड डिफरेंशिएशन है वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई पी है फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, वाई मेरे क्या है कॉन्स्टेंट है और क्यू ऑफ है विद फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे वाई टी मेरा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा और एक्स जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है। वाई मेरा क्या है इज बी, वाई इज बी मतलब कॉन्स्टेंट है आपका, वाई आपका कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ देखो एक्स आप किसको लोगे टेम्परेचर को लोगे, किसको लोगे आप टेम्परेचर को, तो के टू आपका के टू क्या है यहाँ पे, अब ये देखो के वन यहाँ पे है तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा ये इधर लिया इस पैटर्न में उसको एक काम करो उसको ऐसा करो अब इसको इसको इस फॉर्मेट में, ठीक है। आपको नहीं समझ मारा होगा इसको कैसे करना है, तो देखो डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी प्लस के टू डी इज इक्वल टू के वन ए नॉट ई रेज टू माइनस के वन डी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इजाज़त है मुझे लिखने की बिल्कुल इजाज़त है। अब कंपेरिजन करो मैंने क्या बोला वाई की जगह पे क्या है बी है और एक्स की जगह पे टी, क्या के टू मेरा फंक्शन है टेम्परेचर का और यहाँ पे के वन है मेरा क्या है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो ये सब मेरा किस फॉर्मेट में है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में। इसी में एक फैक्टर आता है इंटीग्रेशन फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको इंटीग्रेशन फैक्टर, डोंट वरी मैथ्स के स्टूडेंट आप लोग पढ़ोगे इसको आगे जाके, जब आप इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ोगे कैलकुलेशन तब आपको डिफरेंशियल
फॉर्मेट है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इन फॉर इस फॉर्मेट में आता है तो y तो मेरा क्या है कोई वेरिएबल है तो y की जगह यहां मेरा कंसंट्रेशन ऑफ p है और x की जगह मेरा क्या है टेंपरेचर बिकॉज़ k1 और k2 क्या मेरा फंक्शन ऑफ टेंपरेचर वही दिया मेरा ठीक है देख ले इंटीग्रेशन फैक्टर का फार्मूला क्या होता है e रेज़ टू p ऑफ x dt p ऑफ x dt ठीक है टाइम के साथ x मान लो टाइम ही मान लो तो k1 k2 k1 k2 क्या है टाइम से लगता बढ़ता भी है ठीक है आप ऐसा मान के चलो ठीक है टेंपरेचर ही मान लो dt मतलब टेंपरेचर या टाइम नहीं सॉरी टाइम ही और टाइम के चलो k1 k2 टाइम के साथ क्या होता बढ़ता बढ़ता p of x हो जाएगा ठीक है हां अब इंटीग्रेशन फैक्टर का फार्मूला क्या होता है e का पावर px dt अब e का पावर px क्या है मेरा px है मेरा k2 इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर हो जाएगा e का पावर k2 dt और जब इसका हर करोगे तो e का पावर क्या हो जाएगा k2 हो जाएगा क्या हो जाएगा e का पावर k2 t k2 बाहर आ जाएगा dt क्या हो जाएगा टेंपरेचर हो जाएगा px k2 हो जाएगा py हो जाएगा k1 हो जाएगा मेरा क्या ठीक है चलो समझ में आई बात जब ये विद रिस्पेक्ट टू t है तो ये भी क्या मानना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t मानना पड़ेगा अब मैं क्या कर रहा हूं मैंने सही स्टेप आपको क्या करना है मल्टीप्लाई both side by integration factor दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूं इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मतलब dv / dt plus k2 concentration of b इसको मैंने मल्टीप्लाई कर e का पावर k2 t से plus k1 a not e raised to minus माइनस k1 t और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया e का पावर k2 t से ठीक है अब आप इसको मल्टीप्लाई करो देखो e का पावर हां इसको जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा कैसा d / dt b ऑफ k2 t b ऑफ e का पावर k2 t इक्वल टू क्या हो जाएगा k1 a0 k1 a0 k1 a0 e raised to k2 minus k1 into t अब आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप उसे देखो आप ऐसा समझो इधर मैं आप मैथमेटिकली ये u into b का फॉर्मेट है जब b को b ऑफ e उल्टा चलो e ऑफ k2 t का डिफरेंशिएशन करोगे पहले डिफरेंशिएशन क्या होगा d / dt और ये कांस्टेंट हो जाएगा 0 प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन क्या करोगे इसका e का पावर k2 t सॉरी इनटू e का पावर k2 t प्लस और फिर दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करो तो b एज इट इज कांस्टेंट रहेगा तो e का पावर k2 t इनटू k2 तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो नेट इक्वेशन देखो आपका ऐसा ही मिलेगा बराबर और जब इसको उल्टे फॉर्मेट में चलोगे तो ये इसी का तो डिफरेंशिएशन है b ऑफ e का पावर k2 t क्योंकि जब आप इसको e का पावर k2 t एक बार b डिफरेंशिएट करोगे और उसके बाद b छोड़ के आपको e का पावर k2 t डिफरेंशिएट करोगे मतलब क्या कुछ इस तरीके से आपको फंक्शन नहीं मिल रहा तो इसको रिवर्स कर दिया मैंने आई होप से बात आपको समझ में आया होगी पहले जब मैं इसको इसको डिफरेंशिएट करूंगा e का पावर k2 t यहां पे बन जाएगा और फिर जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा b कांस्टेंट होगा तो k2 बन जाएगा और दोनों में e का पावर k2 t डिफरेंशिएशन e का पावर k2 t मैंने क्या किया कॉमन ले लिया तो ओवरऑल यही तो फॉर्मेट बनेगा दोनों को मैं क्या कर दे रहा हूं मैं इंटीग्रेट कर दे रहा हूं 0 से लेकर t तक तो ये और ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो b डॉट e का पावर k2 t इज इक्वल टू जब इसका इंटीग्रेशन करोगे इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा k1 a0 तो आपको क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा e का पावर k2 minus k1 by k2 minus k1 0 से लेकर t तक into t 0 से लेकर t तक तो b dot e raise to k2 t बराबर क्या हो जाएगा k1 a0 k1 a0 by k2 minus k1 अगेन वैल्यू पुट करने का क्या मिला k2 minus k1 minus 1 k2 minus k1 minus 1 ठीक है k2 minus k1 into t k2 minus k1 into t ठीक है तो आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी ठीक है तो अगर आप इसको फिर से अलग अलग करोगे ये नीचे इसको डिवाइड करोगे तो b का एक्सेक्ट कंसंट्रेशन b का फॉर्मूला आएगा
a1 a0 by k2 minus a1 ये डिवाइड करोगे तो आप यह जाएगा e का पावर माइनस a1 t माइनस e का पावर माइनस k2 t ठीक है तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को क्या कर लिए सॉल्व कर लिए और ये आपका कैंसिल फार्मूला बन गया है इसी तरीके से कंसर्न सब सी क्या हो जाएगा k2 a0 k2 माइनस a1 e का पावर माइनस a1 t नहीं माइनस k2 t आ जाएगा यहां पे सॉरी आप इसको सॉल्व ही कर लेते हैं बेटर ठीक है कंसंट्रेशन ऑफ बी आया ठीक है अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ सी का तो ये फार्मूला प्लीज ये थोड़ा समझने की कोशिश करें मैथमेटिकल टर्म हायर लेवल मैथमेटिक्स है थोड़ा इसमें ठीक है और नहीं भी समझ में आए तो सब फार्मूला रिवाइज कर लीजिए याद रखिएगा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ट क्वेश्चन आता है ठीक है डीसी बराबर क्या हो जाएगा डीसी बाय डीटी ये किस रिएक्शन में इस रिएक्शन में उसका इंटीग्रेशन क्या होगा के टू ऑफ बी हो जाएगा मेरा ठीक है तो डीसी बाय डीटी को मैं क्या लिख सकता हूं dc by dt को मैं लिख सकता हूं k2 of d को मैं क्या लिखूंगा k1 a0 by k2 minus k1 e का पावर minus k1 t minus e का पावर minus k2 t ये होगा बराबर तो अगर मैं दोनों को क्या कर रहा हूं मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं ठीक है तो मैंने इंटीग्रेट किया dc इधर चला गया k2 k1 a0 by k2 minus k1 e का पावर minus k1 t minus माइनस के टू टी ठीक है इसको मैंने जीरो से लेकर सी तक क्या इसको मैंने जीरो से लेकर टी तक क्या डीटी मेरा कहाँ चला जाएगा इधर चला जाएगा जब आप इसको फुल्ली इंटीग्रेट करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ सी बराबर जो आएगा वो आएगा k1 k2 a0 बाय k2 माइनस k1 अंदर के पार्ट मुझे इंटीग्रेट करना है उसका इंटीग्रेशन करने पर आपको मिलेगा e का पावर माइनस k1 टी बाय माइनस ऑफ a1 माइनस ऑफ e का पावर माइनस k2 t बाय माइनस ऑफ k2 जीरो से लेकर t तक जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कंसंट्रेशन c का फार्मूला आएगा k1 k2 a0 बाय k1 माइनस k2 ये वैल्यू पुट करोगे जीरो t का तो ये ओवर वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस e का पावर माइनस k1 t ठीक है माइनस 1 माइनस e का पावर माइनस डिवाइडेड बाय k1 डिवाइडेड बाय ठीक है तो ये पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा तो मैं पैटर्न अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां लिख देता हूं मैं ठीक है बड़े अक्षरों में c का कंसेप्ट से क्या होगा k1 k2 a0 बाय k1 माइनस k2 ठीक है फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस e का पावर माइनस k1 t बाय k1 माइनस 1 माइनस e का पावर माइनस k2 t बाय ठीक है तो ये एग्जैक्ट कंसंट्रेशन सी का फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट आपसे ए या बी सी का कंसंट्रेशन आपसे फाइनली पूछा जाएगा ठीक है तो आई होप सो यहां तक सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है ठीक है फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं ठीक है कैलकुलेट टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ बी इज मैक्सिमम मतलब एक समय ऐसा आएगा देखो बी बन रहा है घट रहा है बन रहा है घट रहा है ठीक है एक समय आएगा कि जब इस क्योंकि ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब इसका फॉर्मेशन ज्यादा बड़ा होगा डिसअपीयरेंस से ठीक है बी का तो जब ज्यादा होगा तो एक समय ऐसा भी होता है ना कि वो बहुत ज्यादा होगा ठीक है और जितना ज्यादा होगा बी का ये वैल्यू आपको बताना है बस या आपको ये बताना है किस टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ बी मैक्सिमम होगा और अगर वो मैक्सिमम वैल्यू होगा तो वो कितना मैक्सिमम वैल्यू होगा ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ अगर आपको नहीं भी आता तो आप प्लीज सॉल्यूशन मेरे से पूछ लीजिएगा ठीक है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ठीक है यहाँ से हमारा टॉपिक खत्म होता है बाकी मंडे को हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे अच्छे लेवल के थैंक यू वेरी मच